गाइस वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो ऑफ रोस्ट गेमिंग 2.0। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर तुम लोग आज की वीडियो स्किप करने की सोच रहे हो ना तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलकर तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग कोई गेम प्ले या गेमिंग टॉपिक के रिलेटेड बात नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हैकर्स तुम्हारी आईडी गेम की स्कैम कर लेते हैं, कैसे तुम लोगों की आईडी जो है वो हैक हो जाती है और हाईजैक हो जाती है। क्योंकि मेरे कमेंट्स में लगातार, मतलब 5-6 दिनों से पिछले बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई मेरी आईडी स्कैम हो गई, मेरी आईडी हैक हो गई। और स्पेशली जो मैंने यूनिपिन स्कैम का वीडियो बनाया था, उसके बाद से ये सब चीजें ज्यादा हो रही है ऑडियंस के साथ। तो भाई आज की वीडियो उसी टॉपिक पे है, मैं तुमको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे हैकर तुम्हारी आईडी स्कैम करते हैं, ठीक है। और ये जो वीडियो है ये मैंने खुद एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया, तुमको दिखाने के लिए कि कैसे तुम लोग स्कैम हो जाते हो। तो प्लीज से इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, स्किप मत करो। और दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज, तो इसको एजुकेशन पर्पज की तरह ही लेना, ज्यादा ऊपर तक जाने की जरूरत नहीं है, वरना फंसोगे तो सीधा जेल जाओगे, ठीक है। तो चलो मैं सीधा वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ, तुमको डिस्क्लेमर मैंने दे दिया, और भाई वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वो बहुत जरूरी है। तो देखो डे टू डे लाइफ में हम लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा था, और तभी मेरे सामने एक पॉपअप आता है। वो पॉपअप मैं तुमको दिखा नहीं सकता ड्यू टू सम कॉपीराइट रीजन, जिसमें लिखा रहता है ग्लाइडेरिया एक्सूट फॉर फ्री। और जब मैं उस पर क्लिक करता हूँ, तुम ये देख सकते हो यहाँ पे ग्लाइडेरिया एक्सूट, एम फॉर ग्लेशियर, एम फॉर मम्मी, फायर मम्मी, साइको मम्मी और 10 मटेरियल, सब कुछ मिल रहा है फ्री में। अब बंदे इस लैंडिंग पेज पे आते हैं, यहाँ पे कलेक्ट पे क्लिक करते हैं किसी भी एक्सूट या किसी भी चीज पे क्लिक करके, तो भैया यहाँ पे गेम का इंटरफेस वो खोल देते हैं। मतलब समझ लो कितना ज्यादा स्कैम मार्केट बढ़ गया है, मतलब इतना ज्यादा तक वेब डिजाइनिंग होने लगी है। और यहाँ पे जब तुम लॉगिन पे क्लिक करोगे, तुम्हारे मोबाइल नंबर पासवर्ड मांगा जाएगा। अब चेक करने के लिए नॉर्मल बंदा क्या करता है, वो सिंपली कुछ गलत डालेगा और लॉगिन करेगा। भाई लॉगिन करोगे ना, ऊपर एरर आ जाएगा कि जी हाँ, ये कोई भी ईमेल और फोन नंबर एसोसिएट नहीं है, ये आपका जो फोन नंबर ईमेल ये गलत है। और आपको पूरा दिखा जाएगा कि एकदम ऑफिशियल फेसबुक लॉगिन है, जो कि आपका ईमेल नहीं दे रहा है। और तभी आता है सबसे बड़ा स्कैम, बंदों को भरोसा हो जाता है रियल फेसबुक है, वो अपनी आईडी लॉगिन कर देते हैं। बट यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे भैया वो स्कैम कर रहे हैं, उन्होंने पहले से थ्रेट कर रखा है कि मोबाइल नंबर 10, 11, 12 डिजिट का होता है, और जो आपका ईमेल होता है उसमें @gmail होता है। तो जब तक ये आप नहीं लिखोगे वो वेरीफाई नहीं करेगा। आपके सामने मैंने कुछ भी मोबाइल नंबर और कुछ भी पासवर्ड डाल दिया 10, 11 अंक का, ठीक है, और यहाँ देखो वेरीफाई हो चुका है। अभी उससे भी भरोसा नहीं है तो देखो प्लेयर आईडी मैंने कुछ भी डाल दिया, 5 डाल दिया, फोन नंबर मैंने कुछ भी टाइप कर दिया, कुछ भी लिख दिया, और अकाउंट लेवल में मैंने 100 लेवल सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। और वेरिफिकेशन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, भैया सिंपली थोड़ा लोडिंग होता है और ये देखो मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया है बैटल गॉड्स मोबाइल इंडिया की तरफ से, और 24 घंटे के अंदर मेरी ग्लाइडेरिया एक्सूट मेरी आईडी पे आ जाएगी। और भाई उसके बाद ये लोडिंग और आप खत्म, मतलब एक्चुअली में आप खत्म। चलो मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे खत्म हो गए। आपके सामने ये हीरो हीराल बॉट जो कि मैंने खुद बनाया है आपको दिखाने के लिए कैसे बंदे यहाँ पे ट्रैक कर लेते हैं आपको। ये देखो यहाँ पे जो मैंने अभी जितने डिटेल आपके सामने भरे थे, सारे डिटेल के साथ आ गए हो तुम भाई, सारे डिटेल्स तुम्हारे रिवील है। तुमको आराम से कोई बंदा हाईजेक कर सकता है, तुम्हारी आईडी हाईजेक कर सकता है। और इससे बचने के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, देखो पहला यहाँ पे 2 कंडीशन आते हैं अगर तुम लोग इसमें फंस जाते। पहला ये कि क्या हम लोग अब कुछ कर सकते हैं, तो जी हाँ तुम 2 काम कर सकते हो। पहला ये कि जाके फेसबुक का पासवर्ड रीसेट कर दो, ठीक है, फेसबुक का जो भी आईडी पासवर्ड जो भी है उसको रीसेट करो। और भैया 2-स्टेप ऑथेंटिकेशन तुरंत ऑन कर लो। इससे क्या होगा, जब भी तुम दूसरे फोन में या दूसरे डिवाइस में फेसबुक लॉगिन करोगे, पहले तो तुम्हारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और उसके बाद तुम लॉगिन कर पाओगे, उससे पहले तुम लॉगिन नहीं कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं। तो भैया ये सबसे पहले कर लो। और दूसरा चीज हम लोग को इसमें नहीं फंसने के लिए हम लोग क्या कर सकते हो, तो देखो बहुत सारे एक्सटेंशन आते हैं क्रोम के, तो अगर तुम लोग पीसी यूज करते हो तो भैया बहुत कम ही लोगों के पास पीसी है, तो क्रोम का एक्सटेंशन यूज कर सकता है। अदरवाइज आप लोग भाई सिक्योर ब्राउजर एज लाइक ब्रेव ब्राउजर या फिर क्रोम में ट्रैकिंग आप लोग बंद कर सकते हो, और आप लोग भाई सिक्योरिटी बढ़ा सकते हो। गूगल में ऑप्शन आता है सिक्योरिटी इनहेंस करने का, वो आप यूट्यूब पर सर्च कर लो हाउ टू इनहेंस सिक्योरिटी इन गूगल क्रोम, उसको इनेबल कर लो। दैट इज वाई कि अगर आपको कोई भी फिशिंग पेज पर रिडायरेक्ट किया जाता है तो वो पहले डिटेक्ट करके आपका उस वेबसाइट पर वो आपको नहीं देगा, ठीक है। तो ये सारे स्टेप कर सकते हो आप अपने सिक्योरिटी के लिए। और पहले से अगर लॉग इन कर रखा है तो तेजी में जाओ फेसबुक की आईडी पासवर्ड रीसेट करके 2-स्टेप ऑथेंटिकेशन ऑन कर लो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सभी लोगों की मदद हो पाए। और बस यही था आज के वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई हो, ऑब्वियसली आनी चाहिए, तो भाई लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइबर से ज्यादा इस वीडियो में शेयर चाहिए मुझे, तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी सेफ, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट।